नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 27 सितंबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। भाजपा ने चुनावी रणनीति के तहत दूसरे राज्यों के नेताओं को राजस्थान में जिम्मेदारी दी है। ये नेता 2 माह अलग अलग जिलों में जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके अलावा जिला अध्यक्षों और प्रभारियों को भी हर विधानसभा केंद्रीय कार्यक्रम दिए गए हैं। दूसरे राज्यों के भाजपा नेताओं के प्रवास को लेकर प्रदेश भाजपा कार्यालय में समन्वय बैठक हुई। इसमें सभी जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और प्रदेश पदाधिकारी सहित पड़ोसी राज्यों के प्रमुख नेता मौजूद रहे। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के नेता राजस्थान पहुंच गए हैं। इनमें दिल्ली सांसद प्रवेश वर्मा, सांसद रमेश विधूड़ी, हरियाणा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, ओम प्रकाश धनखड़, सांसद विजयपाल सिंह तोमर शामिल हैं। दूसरे राज्यों से आए नेता दिए गए जिलों की विधानसभा सीटों में पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। जयपुर में शादी से पहले एक दुल्हन के भागने का मामला सामने आया है। शादी से 2 दिन पहले मंगेतर के घर पिता दुल्हन बेटी को छोड़कर आए थे। कॉल कर बुलाने पर बॉयफ्रेंड बाइक पर आया और होने वाले ससुराल से दुल्हन को लेकर फरार हो गया। दुल्हन के शादी से पहले भागने का पता चलने पर हंगामा मच गया। करदनी थाना पुलिस ने तुरंत ट्रेस कर दुल्हन को ढूंढ निकाला। हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह ने बताया कि विद्याधर नगर निवासी व्यक्ति ने बताया कि उसकी 20 वर्षीय बेटी की निवारू रोड निवासी 22 वर्षीय युवक से सगाई की थी। 26 सितंबर को दोनों की शादी होनी थी। शादी से 2 दिन पहले ससुराल में बेटी को छोड़कर आए थे, जहाँ से शाहिद कुरैशी निवासी रामनगर ससुराल से बेटी को भगा ले गया। पुलिस ने तुरंत किडनैपिंग का मामला दर्ज कर तलाश शुरू की। दुल्हन के मोबाइल की कॉल डिटेल के साथ लोकेशन निकलवाकर भट्टा बस्ती इलाके से दुल्हन और उसके दोस्त शाहिद को ढूंढ निकाला। पुलिस का कहना है कि युवती ने शादी करने से इनकार कर दिया, जिसके चलते शादी नहीं हो सकी। कोटा में अनंत चतुर्दशी पर्व पर कल जुलूस निकाला जाएगा। मुंबई के बाद कोटा के गणेश विसर्जन जुलूस को बड़ा जुलूस माना जाता है। शहर की परंपरा अनुसार शोभा यात्रा दोपहर 12:15 बजे सूरज पुल से रवाना होगी। शोभा यात्रा 5 किलोमीटर मार्ग से निकलेगी, जिसमें करीब 18 घंटे का समय लगेगा। इसमें करीब 1 लाख लोग शामिल होंगे। अनंत चतुर्दशी महोत्सव आयोजन समिति ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। शोभा यात्रा सूरज पुल गेट से शुरू होकर कैथूनी पुल, गांधी जी के पुल सहित अन्य परंपरागत मार्ग से किशोर सागर बारादरी पहुंचेगी। 150 से ज्यादा झांकियां इसमें शामिल होंगी। किशोर सागर तालाब पर प्रतिमाओं का विसर्जन देर रात तक होगा। 4 एम्बुलेंस रहेगी और 13 अखाड़ों के पॉइंट पर मेडिकल टीमें तैनात रहेंगी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए 3,500 पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में शामिल रहेंगे। पुलिस ने यात्रा मार्ग पर फ्लैग मार्च किया। कोटा जिले में मामूली विवाद में युवक की हत्या के करीब 6 साल पुराने मामले में एडीजे कोर्ट ने हत्या के आरोपी 25 वर्षीय शुभम तिवारी निवासी हनुमान बस्ती को आजीवन कारावास की सजा व 60,000 के अर्थ दंड से दंडित किया है, जबकि संदेह के लाभ में एक आरोपी कृष्ण मुरारी को बरी किया गया। मामले के अनुसार बाइक के कट मारने को लेकर झगड़ा हुआ था, उसी रंजिश के कारण शुभम ने अपने साथी के साथ मिलकर संदीप कपूर की हत्या कर दी थी। सरकारी वकील नरेंद्र मालव ने बताया कि 24 अक्टूबर 2017 को फरियादी राजेंद्र सिंह ने दादाबाड़ी थाने में शिकायत दी थी। शिकायत पर पुलिस ने हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था। प्रदेश में जिला DEO को जिम्मेदारी सौंपने के बाद भी गार्गी अवार्ड की पात्र छात्राएं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में रुचि नहीं ले रही हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर है, लेकिन अभी तक 32,153 पात्र छात्राओं ने अपना आवेदन नहीं किया है। इन छात्राओं के पास सब 4 दिन का समय शेष है। शिक्षा सत्र 2023-24 में 12वीं कक्षा में पढ़ रही राज्य की 63,275 बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार की द्वितीय किश्त दी जानी है, जिसमें 26 सितंबर तक सिर्फ 31,122 छात्राओं ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की ओर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि को 3 बार बढ़ाने के बाद भी आवेदन में रफ्तार में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। राजधानी जयपुर के जालूपुरा इलाके में हरिद्वार के रत्न व्यवसायी से 27 लाख रुपए कीमत के हीरे वे पन्ने लेकर भागने वाले बदमाश को पुलिस ने मुंबई से पकड़ लिया है। गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद अनीस
रामगंज स्थित तत्कालेश्वरपुरी का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 27 लाख रुपए कीमत का एक हीरा व दो पन्ने बरामद कर लिए। डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा डूडी ने बताया कि 19 सितंबर को पीड़ित हरिद्वार निवासी रत्न व्यवसायी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उनके पास जयपुर से एक व्यक्ति ने आशीष बनकर कॉल किया और खुद को हीरा पन्ना का काम करने वाला बताया। उसने झांसा देकर जयपुर बुलाया और यहां आने के बाद आरोपी ने 27 लाख रुपए के हीरा व दो पन्ने खरीदने की बात तय की और जांच करवाने के बहाने एमआई रोड स्थित जेकेजे ज्वेलर्स पर ले गया, जहां पर बातों में उलझाकर भाग गया। पुलिस ने मुखबिर और तकनीकी जांच के आधार पर आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया। सीकर के कोतवाली थाना इलाके में हॉस्टल चलाने वाले युवक से 1 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया है। गाड़ी सवार 3 बदमाशों ने लिफ्ट देने का झांसा देकर युवक को अपने साथ बैठाया और फिर उससे रुपए लूटकर सुनसान जगह छोड़कर फरार हो गए। हरियाणा निवासी सुधीर ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि वह हिसार से ट्रेन में बैठकर सीकर आया। यहां रात को रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद हॉस्टल जाने के लिए बाहर आया तो उसे एक काले रंग की स्कॉर्पियो दिखी। गाड़ी में बैठे लोगों ने पूछा कि कहां जाना है तो सुधीर ने कहा कि उसे हॉस्टल जाना है। गाड़ी सवार लोगों ने कहा कि वह उसे छोड़ देंगे। वो लोग उसे अपने साथ पहले तो पिपराली रोड और फिर नवलगढ़ रोड ले गए, जहां सुनसान जगह ले जाकर सुधीर को थक्का मारकर 1 लाख रुपए छीन लिए और सुधीर को वहीं छोड़ गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरपीएससी द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2021 की मुख्य परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों के साक्षात्कार का चौथा चरण आज बुधवार को पूरा हो गया। पांचवां चरण 3 अक्टूबर से शुरू होगा। 2 सत्रों में सुबह 9 बजे से और दोपहर 1:30 बजे से साक्षात्कार लिए गए। इस चरण में 288 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि इंटरव्यू का पांचवां चरण 3 अक्टूबर से शुरू होगा। अगले चरण में साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र में फोटो प्रति साथ अवश्य लाएं, अन्यथा साक्षात्कार से वंचित कर दिया जाएगा। भरतपुर जिले के सुभाष नगर के निवासी महेंद्र कुमार शर्मा से हुई 1 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी की तलाश में बंगाल और बिहार पहुंची साइबर पुलिस ने चुकाने वाले खुलासे किए हैं। मामले में पीड़ित के खाते से निकली राशि मालदा बिहार के मदरसे में पढ़ने वाले छात्र राहुल अहमद के खाते में जमा हुई। लोगों ने पुलिस को बताया कि मदरसे में एक दिन मौलवी मोविन और रिजवान ने बच्चों को छात्रवृत्ति मिलने का झांसा देकर बच्चों के खाते खुलवाने के लिए आधार कार्ड मंगवाए। करीब 35 से 40 बच्चों के पोस्ट ऑफिस बैंक ऑनलाइन खाते खोल दिए। फ्रॉड की राशि राहुल के खाते से बिहार के कटिहार जिले के बरसोई कस्बा के मथुरापुर गांव की एक महिला के नाम खाते में ट्रांसफर हुए, जहां पर राशि को विड्रॉ किया गया। यहां पता चला कि गांव की 30 से 40 अशिक्षित महिलाओं को बच्चों की छात्रवृत्ति उनके खाते में आने का झांसा देकर खाते खुलवाए गए थे, जिनका उपयोग साइबर ठग फ्रॉड की राशि के ट्रांजेक्शन के लिए करते हैं। एसपी डीग ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि साइबर क्राइम में संलिप्त पाए जाने वाले आरोपियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में चोर शहरों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी बेखौफ होकर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। चोरों ने रात को क्षेत्र के कुनकट्टा खुर्द गाँव में लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। तलावड़ा तहसील क्षेत्र के अमरगढ़ गांव पंचायत के कुनकट्टा खुर्द गांव में रात को चोरों ने मेघराज गुर्जर और महेंद्र गुर्जर के मकानों को अपना निशाना बनाया। चोरों ने दोनों घरों से लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। चोर यहां से बक्सों को उठाकर बाहर ले गए और गहने निकालकर बक्सों को वहीं छोड़ गए। ग्रामीणों की सूचना पर सदर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और घटना का मौका मुआयना किया। बूंदी जिले के हिंडोली थाना क्षेत्र के पेच की बावड़ी बाईपास पर कार ने बाइक के पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार 70 वर्षीय बर्दीलाल मीणा निवासी लक्ष्मीपुर टोंक का रहने वाला था। वह ब्राह्मणों के झोपड़िया गाँव में तेजाजी महाराज की धूक लगाने के लिए आया था और धूक लगाने के बाद अपने गांव के लिए रवाना हुआ। पेच की बावड़ी से जैसे ही वह राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर चढ़ा, तभी पीछे से आ रही कार ने जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई।
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।